पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में, शादी सीजन ऑन है जी। मेरे घर में भी धूम धड़क का ये सब है, मेहमान नवाजी और सब कहते हैं ना कि वो मस्तियाँ, चिखम पुकार, वो सब जारी है। कल मुझे एक दिन का रेस्ट मिला तो मैं बिस्तर से उठी नहीं हुई, और उसके बाद देखे मेरी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी। जो शादी ब्याह होते हैं उसमें मज़ा तो बहुत आता है लेकिन थकन उरूज पे होती है, बहुत ज़्यादा इंसान को थकन हो जाती है। मगर ये जो मज़ा है ना, ये सारी ज़िंदगी आपको याद रहता है कि शादी पे ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शादी के जो इवेंट्स हैं वो बदलते जा रहे हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूँ कि जैसे मेरी शादी हुई थी कोई पुराने ज़माने में, मेरी शादी को माशाल्लाह 20 साल कुछ होने वाले हैं कुछ, तो 20 साल पहले की जब मैं बात करूँ तो माइयों, मुझे अच्छे से याद है, सबसे पहला इवेंट था माइयों मिलाद, एंड देन उसके बाद मेहंदी थी, लड़के की मेहंदी, लड़की की मेहंदी, फिर शादी था, फिर वलीमा, फिर छोटी मोटी चौथी की दावत हुई थी, ये इवेंट्स थे। अब अगर मैं जो नए इनविटेशंस देख रही हूँ उसमें इवेंट्स कम तो हो गए लेकिन कुछ और चेंजेस आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अब लोग जाते हैं सबसे पहले हल्का फुल्का माइयों करते हैं, उसके बाद निकाह करते हैं। निकाह करने और निकाह का इवेंट भी थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादातर लोग अगर निकाह सर्दियों में कर रहे हैं तो वो दोपहर में होता है, वो एक सनलाइट में एक बहुत धुली धुली फील आती है, और उसके बाद फिर होता है इवेंट रुखसती का। रुखसती करने के बाद, शादी के इवेंट के बाद फिर शेंदी होती है। शेंदी यानी मेहंदी का इवेंट उठा के जो अक्सर लोग इस तरह ले गए हैं कि दुल्हन दुल्हा की रुखसती के बाद वो आपस में खूब इंजॉय कर सकते हैं, सो इसीलिए थोड़ा सा इवेंट्स का रद्दोबदल हो गया है। मगर अब आपके पास अगर सब चीज़ों के कार्ड्स आए हैं तो आप सारी चीज़ों में तो नहीं जाना अफोर्ड कर सकते, इतनी शादियों का सीज़न है, तो आप क्या करते हैं, आप चुनते हैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, आप इवेंट्स को चुनते हैं। अब अगर आप बहुत थोड़ा सादा खुशबू हैं, थोड़े डिसेंट से हैं, थोड़ा आपको खामोश रहना पसंद है, थोड़ी खामोश गैदरिंग्स में जाना पसंद है, तो आप वलीमे का इंतखाब करते हैं। फिर अगर आप थोड़े से चटपटे हैं, थोड़ी आपको गॉसिप चाहिए ख़ानदानों के बारे में, दुल्हन के बारे में, तो आपको दुल्हन का पहला लुक, उसकी शादी यानी जो रुखसती वाला इवेंट है, आपको उस पे जाना पसंद होता है। फिर अगर आप हैं थोड़ी शुगली, हमारी तरह शुगल मेला लगाने वाले, गाना डांस मस्ती ये सब को आप पसंद करते हैं, तो आप मेहंदी का इंतखाब करते हैं। और मेहंदी में फ़ायदा ही होता है कि वो थोड़ा लेट चलती है, तो आप और दूसरे इवेंट भी भुगता के उधर जा सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करना है। अब जैसे आजकल जो वेडिंग सीजन ऑन है उसमें आपको बहुत कुछ देखने का मौका मिला, और जो पेजेस थे आपके उन पेजेस को बहुत सारा मवाद मैसर हुआ, इंक्लूडिंग मुअम्मर राना की बेटी की इंगेजमेंट, इंक्लूडिंग अरिबा हबीब के सारे इवेंट्स, इंक्लूडिंग मरियम अंसारी के सारे इवेंट्स, सबूर और अली अंसारी के सारे इवेंट्स, निदा यासिर के भाई तलहा के थोड़े बहुत इवेंट्स भी आपने अभी देख लिए हैं, या मेहंदी का इवेंट भी आपको नज़र आया है। और हाँ ठीक है भाई, मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कुछ भी है, मैं वैसे आमतौर पर इतना डांस नहीं करती, लेकिन मेरे सबसे छोटे भाई की शादी, ये वो छोटा भाई है जिसको हमने गोदों में खिलाया है, और मेरा इसका एज डिफरेंस भी बहुत है, जो छोटा भाई आखिरी शादी है, सो ये मेरा, मैं कहती हूँ कि ये मेरे दिल की खुशी थी, तो मैंने डांस किया, मैंने इतनी मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी, और बहुत सारे लोगों ने सराहा भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। मगर जब आपके घर की शादी होती है तो ये सब कुछ तो बनता, आपने मुझे कहीं और इतना उछलते कूदते नहीं देखा, लेकिन ये मेरे अपने घर की शादी थी, और अगर मैं इस तरह खुशियाना मनाती जबकि मेरी अम्मी भी नहीं है, सो वो सारी चीज़ें, वो सारी कमी पूरी करना मुझे ज़रूरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाने के साथ साथ ये शोर गुल हंगामा ये करना भी ज़रूरी था। सो हमने अपने भाई की शादी के लिए जान लगा दी, और मेहंदी पे खूब उछल कूद हुई, खूब हंगामा हुआ। आइए मैं आपको एक एक करके सारे पैकेजेस दिखा दूँ। अभी हमारी मेहंदी का पैकेज अभी प्रॉपरली बन नहीं पाया क्योंकि अभी तो हुई है, ये सारे पैकेजेस हमने बाकी बना लिए हैं, और 13th को इंशाल्लाह मैं आप
सबकी मुलाकात अपने भाई भाभी से कराऊंगी, तो छोटे छोटे ग्लिम्सेस उनकी शादी के आपको दिखाऊंगी, अपनी भाभी से प्रॉपरली मुलाकात कराऊंगी। तभी आपने इतनी वायरल और उसकी कोई वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैं 13th को जब आपकी मुलाकात कराऊंगी तभी मैं उनके सारे फोटोशूट्स वगैरह आपसे शेयर करूँगी। आइए दिखाती हूँ आपको मुअम्मर राना की बेटी, इतनी प्यारी सी छोटी सी क्यूट हूँ हमारे सामने पली बड़ी, उसकी एंगेजमेंट हुई। सबसे पहले तो मुबारक हो दोनों मुअम्मर राना और उनकी मिसेस को। जी दोनों बहन भाई की शादी, मैं आपको ग्लिम्सेस दिखाती हूँ। मरियम अंसारी, अली अंसारी, सबूर और अली की शादी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेहनत से सजाई गई। और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हुई जब मैं ख़ास तौर पर सबूर की शादी में गई। अभी जो मैंने अपने भाई की शादी के इंतज़ाम किए ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अम्मी की कमी कितनी महसूस हुई। सारी जिम्मेदारी जब हमारी शादियां हुई थी ना, मेरे अम्मी अब्बू ने संभाली हुई थी, तो उनकी एक सर्टन एज थी जिसमें वो भाग दौड़ कर सकते थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ता है, मेहमान ना नाराज़ हो जाए, किसको बुलाना है किसको नहीं। सो अब मुझे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। अपनी शादी पर तो मुझे होश ही नहीं था, ना बहनों की शादी पर कुछ इतना भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, क्योंकि अम्मी अब्बू मेरे इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था। और अभी जब मैं सबूर की शादी पे गई ना, तो मेरा दिल इतना वो हो रहा था कि मैंने कहा इसकी मतलब लाइक इसकी अम्मी नहीं है, वालिद भी लाहौर में होते हैं और वो एक सर्टन एज नहीं होती। भाग दौड़ करके सबूर ने अपनी शादी इतनी खूबसूरत सजाई हुई थी, एक एक चीज़ इतनी डेप्थ में मैंने बहुत नोट किया। मतलब उसकी जो उसकी उसका निकाह सेरेमनी थी, इतनी खूबसूरत जगह पे उसने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, बड़ा अच्छा सेट लगा हुआ था। अब आई डोंट नो ये क्रेडिट मैं अली को दूँ कि सबूर को दूँ, मगर वो जो देखकर मुझे खुशी हुई कि कितनी प्यारी हर चीज़ की सजावट, कपड़ों से लेकर जिस तरह की प्लानिंग थी। हम लोगों ने शेंदी में शिरकत की थी और वहाँ बड़ा मज़ेदार एक पूरा एम्बियांस, उस दिन मेरे भाई की शादी भी थी, दोपहर को सबूर की थी, सो मैं जल्दी चली गई, लेकिन बहुत अच्छा सजावट थी, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड शेंदी थी। तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि बच्चियाँ आजकल और ख़ासतौर पे सबूर काम करने के साथ, घर को देखने के साथ, उसका घर भी बहुत उसने अच्छा सेट किया हुआ है। ये इतनी माशाल्लाह मैं कहती हूँ के सलाम है शोबिज़ की बच्चियों को, जैसे किंजा भी है, ये भी इतनी हार्ड वर्किंग है, अपना घर भी गाड़ी भी खुद चला रही होते हैं ये लोग, सारे काम भी कर रहे होते हैं और शूटिंग्स भी कर रहे होते हैं, तो इतना मल्टीटास्किंग लड़कियां हैं ये, छोटी छोटी हैं लेकिन इतनी मेहनत कश लड़कियाँ हैं कि मुझे इतनी खुशी होती है। देख के मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं शोबिज़ की बच्चियाँ, शोबिज़ की बच्चियाँ, शोबिज़ की बच्चियाँ ज़्यादा मेहनती हैं, और अब जिस तरह देख रही हूँ उन्होंने उनकी शादियाँ भी हो रही हैं और वो किस तरह अपनी शादियों को इन्जॉय कर रही हैं, किस तरह सजा रही हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी उन सबको। और देखिए ना, आप सबूर का नहीं दिखा रहे, आप लोग सबूर का पैकेज नहीं दिखा रहे, बाद में दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, सो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आज हम कर क्या रहे हैं। आज हमारे पास हैं तीन टीम्स जो कि अलग अलग मेहंदियों में जिन्होंने कज़न से परफॉर्म किया है, उन तीन टीम्स को आज हम मौका दे रहे हैं कि वो अपनी वो परफॉर्मेंस गाने वाली वो यहाँ हमसे शेयर करें। और आप अगर मेहंदी में आपको होता है कौन जाए तैयारों के सर्दी लगती है, सो हम आज वो माहौल अपने शो पर सुबह सुबह क्रिएट करें, इंजॉय करें, इतने मज़ेदार एक साथ गाने, ये ढोलकी में आप भी शामिल हो सकते हैं। बस आपने वोट करना है कि आज इन तीन कजन्स की जो ग्रुप्स हैं इसमें से आप किसको विनर करार देंगे। हमने ज़रा उनको थोड़ा सा एक ग्लैमर देने के लिए अपने सेलिब्रिटीज़ को भी ऐड इन कर दिया है और एक एक हमारा सेलिब्रिटी उनको लेकर चलेगा साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारा हंगामा, मैंने कहा मेरे घर में हंगामा हो रहा है तो यहाँ शो पे भी हंगामा होना चाहिए। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेहंदी नाइट होता है ना, ये है मेहंदी की सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी धूम धड़क के वाला शो आज हम लेकर आए आपके लिए, मुकाबला ये है और वोटिंग करनी है आपने। तीन टीम्स हमारे पास मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेहंदियों में होते हैं मुकाबले गानों के, दुल्हन वाले दुल्हा वाले, लेकिन आज हमारे पास वो तीन एक्सपर्ट टीम्स हैं जो अपनी अपनी मेहंदियों में जीत चुकी हैं, जो अपनी अपनी मेहंदियों के मुकाबले में जीत चुकी हैं और ज़बरदस्त सुरीले गाने लेकर आए हैं। तीन टीम्स को हमने इस तरह डिवाइड किया है कि एक है हमारी एक्ट्रेस सादिया इमाम की टीम, ये जीत रहे। दूसरी टीम है हमारी मिजना वक्कास की टीम, और तीसरी टीम जो हमेशा धीमा धीमा बोलती रहती है लेकिन धीमा गाएंगी नहीं तो हार जाएंगी, किरण की टीम।
यानी किरण को बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते, मेमोरी गाने के मामले में बहुत अच्छी है। आपकी टीम ने मुझे खास यहाँ बिठाया कि आप, क्योंकि आपकी नेचर और आपका बोलने का अंदाज इतना धीमा धीमा, आपको नजाकत वाला ग्रुप दिया है। मैंने कहा क्या मतलब, क्या मतलब नजाकत वाले गाने गाएंगे, क्लासिकल टाइप, लड़कियों वाला ग्रुप दिया, लड़कियों से भरा हुआ ग्रुप। हाँ जी, तो शुरुआत क्या सादिया तुम्हारी टीम से करें वैसे हम जरा सब पे भारी होने वाले आप लोग जरा अपने वार्म अप हो जाएं, तब तक हम आप लोगों को वार्म अप कर देते हैं। वार्म अप राउंड करते हैं सादिया की टीम में, जो हमारे पास सुरीले सिंगर्स हैं उसमें एना है, यस, शाहिद है एंड फहद बाबर है, और वो जो तीनों है बेचारे वो भी सुरीले है, देखेंगे कितनी तालियां बजाते हैं तुम। बिल्कुल ओके, एंड किरण की टीम को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी एंड मिजना की जब ये लोग गाएंगे। सो ओके, ओवर टू यू सादिया की टीम, जी शुरू करते हैं वार्म अप राउंड, ये आजो और छाजो, चले चलिए म्यूजिशियंस। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कजा होती है। Oh, do dil saanje
वो जो कहते हैं रौनक जो शाम में रात में लगता है वो अभी हमने जबरदस्त देख रहे हैं भाई। टीम सादिया बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अब आप देखते हैं आप लोगों की टीम जो है उनमें कितना तैयार हो जाओ। किरण की टीम में कौन कौन से सिंगर्स हैं? ये रहे हमारी सिंगर्स फातिमा जहरा एंड जरीन। फातिमा जहरा एंड फातिमा जहरा कौन? फातिमा जहरा एंड जरीन। ओके, और तुम लोग और मैं हम सब तालियां बजाएंगे। हाँ मैं भी। तुम भी। ओके जी, तो आइए सुनते हैं कि किरण की टीम में है कितना दम। और निधा ये पहला गाना था जो सिवाय इसके दोनों के एक्सप्रेशन नहीं थे। नहीं यार, ब्लैक कॉफी लेकर आए अभी तो दूसरी सुनूंगी क्योंकि यहाँ मैं खड़े खड़े थक चुकी हूँ। इनके गाने ने इतनी एनर्जी दी कि उससे मुझे थकन नहीं महसूस हुई। चलो जी, अब देखते हो कि यहाँ भाई मुझे भी नाश्ते की जरूरत। हमने निदा को बिठा दिया और क्या चाहिए, क्या बात है। सो भाई निदा, तुम जब मेहंदी वगैरह होती है तो मिजना की क्या जिम्मेदारी होती है? खानदान की मेहंदी होती है, मैं सबसे यही पूछना चाहूँ। मेरी आवाज बहुत बुरी है और हम लोग बहुत बुरे बुरे गाने गाते हैं, लेकिन लाउड है। लाउड है, लाउड तो है। जैसे मेरी भी आवाज तो बहुत फटा हुआ ढोल, सो मैं डफली ले लेती हूँ या चम्मच ले लेती हूँ। लगता भी शामिल हूँ, मैं सिर्फ डांस ले लेती हूँ, वो भी नहीं कर सकती ना, भूल जाती हूँ।
स्टेप्स ही भूल जाती हूं। हमारे घर में ना मेमोरी थी मेरी बहन की सवेरा की, उसको याद रहता है। हां सवेरा गाने का जिम्मेदारी सिना संभाल लेती है, तो दूसरी वाली बहन है, मैं सिर्फ लिपसिंग करती हूं, चमचा बजाती हूं। सेम सेम सेम, या किसी को पानी पिला दिया कोई आया तो चाय। गाने हमें, मुझे तो गाने याद रहते हैं, आलिया ढोल बजा लेती है बेसुरी सही, लेकिन उन आवाजों के साथ हम लोग गाना जरूर गाते हैं, ऊंची ऊंची आवाजों और उसके ऊपर ये जोर भी होता है कि आप लोग क्यों नहीं गा रहे। हाँ, हाँ, बच्चों कम से कम ताली बजा लो। करो चार बच्चे का साथ लगे हुए होते हैं, आप लोगों ने जरा अपना मार का सेट किया, देखते हैं कि मिर्ज़ा की टीम ये मार का तोड़ती है कि नहीं। आइए जी चलते हैं मिर्ज़ा की टीम की तरफ। इंट्रोडक्शन करा दूं पहले, सॉरी भूल गई मैं। हाँ जी प्लीज बताइए जरा, मेरी टीम सो गई है। फाहद, कासिम अली कौन है? कासिम अली और जुनेद रजी और लाइबा भी पीछे से अपनी शक्ल दिखा था लाइबा। ओके जी देखते हैं, जोर से गाना वरना मैं टीम बदल लूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ मैं कहीं भी जाके जान लगा के साकु ढोल मनावनाए साकु यार मनावनाए भावे सिर दी बाजी लग जावे भाई के बंद कर।
जाता है बंदा मेहंदियों में। अच्छा तो अभी गा लीजिए, अभी बता दीजिए। माइक पे चार माइक हमारा माइक बंद है। अच्छा 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 तो अभी बगैर चलो गा लो, चलो नाश्ता करवाया। माइक तुम्हारा खुला है? बंद है। अच्छा जरा इसको माइक दो, सुनाओ जरा। मेरी दोस्त है ना, देखा मेरी जान भी तू, मेरी जान सौजन जान। नहीं बताओ गाओ मेरी जिंदगी, वो जो उसको आगे गाना है वो भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक चीज वो देखो ना, याद है तू मेरी हार भी तू मेरे। हाँ ऐसा होता है मेहंदियों में, गाने भूल जाते हैं, गाने भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा मैसेज जो आता है ना, एक दूसरे को हम लोग हेट करते हैं, हार गए दीवार को। एक डायरी बनी होती है, डायरी में गाने लिख के रखे होते थे। और उस सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, नंद के ऊपर, देवर के ऊपर, जो इनके नामों के साथ गाने बनते हैं, वो तो कमाल को हमने। हाँ, खास तौर पे रात के 12 बजे आप पे मेरी निंदर खुले, पता नहीं क्या था वो, इतने मजे मजे के गाने। हाँ ये कितना मजे के गाने थे ना, तुम लोग ये वाले गाने हमारे दौर के गाते थे। और एक और तेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, तेरी अम्मा। एक ये था, एक रसूल पाक का साया। हाँ, इसके रसूल पाक का साया, मुबारक हो मुबारक हो। और इसकी तो मजे की तरफ बनो दर्जी सिले जोड़ा, जो दुल्हन पहन कर जाए, रोने वाले की अम्मा से कह देना मुबारक हो। और ये हमारे घर में पता है गाना कब गाया जाता है? जब सबसे नेक लेना होता है। हाँ। अरे सांस गला सब दुख जाता था क्योंकि अम्मा अम्मा ने नेक नहीं देना, हम तब तक आ जाते हैं अम्मा से कह देना मुबारक हो, भैया से कह देना मुबारक हो, भैया लगा। हाँ हाँ गाओ। और मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला हरी। और इसमें कितने प्यारे प्यारे ना रिश्ते, सारे रिश्ते जमा होते थे चाची के घर से आया। बसंत मेरी अम्मा के घर, आपके फूले पसंद मेरी मामा के घर, प्यारी मामी ने आज मुझे भेजा। आप लोग ये ना समझे कि हम इतने पुराने, एक्चुअली आप लोग ना वो क्या कहते हैं, लेके चल रहे रिवायत लेके चल रहे हैं। इस वक्त तो मैं आपको ब्रेक की तरफ लेके चल रही हूँ, लेकिन सच्ची बात है, सब कुछ सामने नजर आ रहा है कि अभी इस सेगमेंट में कौन सी टीम है आगे और कौन सी टीम है पीछे। सो इसी तरह वोटिंग जारी रखें, एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या पता काया पलट जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक तरफ है सादिया की टीम, मिर्जा की टीम और किरण की टीम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तीन टीम्स हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, लेकिन भाई मेहंदी में एक और चीज का मुकाबला होता है सादिया, वो होता है कपड़ों का मुकाबला। यस yes. so, अब जो हमने मेहंदी के जोड़े पहने हैं वो तो हमें दिखाने पड़ेंगे भाई। यस यस, आइए सादिया आपसे शुरुआत करते हैं, उधर जाइए। आपने किस डिजाइनर के जोड़ा पहना है? मैंने जी ये एस के डिजाइनर का जोड़ा पहना है और पूरा नाम इनका, नंबर्स इनका चल रहा होगा। बहुत ही मजे का ड्रेस है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेहंदी के लिए बिल्कुल मेहंदी के लिए। और इस दुपट्टे का एक फायदा है कि आप इस दुपट्टे को खोल के यूं लेना चाहे, दुपट्टे को साइड पे रखना चाहे। और इनके जो सबसे खूबसूरती है वो ये कि काम बड़ा नाजुक है, बहुत मजे का काम है। तो थैंक यू सो मच, लवली ड्रेस, थैंक यू। आइए हाँ जी जाइए किरण। मेरा तो एक्चुअली सेमी के का है,
और क्योंकि विंटर्स जैसे ही होते हैं सैमी के अपने वेलवेट की वैरायटी निकालती है और थोड़े से चमक वमक क्योंकि शादियों का सीज़न होता है, तो मुझे ये अच्छा लगा, मेरे टाइप का लगा और कलर मुझे इसका इतना हसीन लगा, मैंने कहा इसको तो बस मैं आज निदा के शो पर ही पहनूंगी। सो थैंक यू सो मच सैमी, बता दूँ अपना? हाँ बिल्कुल बताइए। ये मैंने रेड एक जोड़ा था, मैंने फ्राइडे को भी पहना था शायद, आप देखा होगा, ये है लाहौर की एक डिज़ाइनर है, बड़ी प्यारी कपड़े हैं उनके, अगर आप जाके देखें, निसा बाय मेरीन है ना, निसा बाय मेरीन है, और उनका इंस्टा पेज पे देखिए। मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए हूँ कि ये वेलवेट है और आपको इतनी सर्दी लग रही होती है। अभी मैंने बहुत सारे जोड़े जो है ना डिज़ाइनर से मंगवाए थे भाई की शादी में पहनने के लिए, सो ये इतना कंफर्टेबल है कि आप सर्दी में स्पेशली वेलवेट है ना तो आप आराम से पहन सकते हैं, और ये इस पर ये रात को ग्लो भी करता है ये मोर। सो मैंने कहा इतनी तकरीबें हो रही हैं तो ज़रूरी है फिर मंगाने चाहिए, और वो साथ देखे ना ये मोर की और वो रिच लुक दे रहा है, और कंफर्टेबल भी बड़ा है, बहुत फिनिश है और लाइट वेट लग रहा है, मुझे बहुत हैवी भी नहीं है, आराम से भरा हुआ है लेकिन लाइट वेट। भंगड़ा डांस ये वो, मैंने अपने भाई की शादी पे तो जो 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 जोड़ा पहना था मैंने खुद स्टिच करवाया था ज़हीर अब्बास से, उस वो मैंने लाइट वेट इसलिए पहना था कि मैंने गिर ना जाऊं, उस पर सितारा मोती का कोई काम नहीं था, मुझे टेंशन थी क्योंकि मैंने डांस फ्लोर पे परफॉर्म करते हुए कितने सारे लोगों को देखा, हमने मेहंदी पे इतना एंजॉय किया ना अपने भाई की शादी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, और इतने अरसे बाद ना मुझे वो मेरे भाई की शादी याद है क्योंकि मेरे भाई की शादी पे हमने बड़ा रंग लगाया, मैंने सादिया के भाई की शादी पे भी डांस किया था और अब अपने भाई की शादी, बहुत बड़ा गैप आ गया, और हमारी वीडियो वायरल भी बहुत ज्यादा हुई है हम दोनों की गपशप करते हुए बातें करते हुए, मैंने कहा यार कितनी पुरानी यादें सारी जुड़ जाती हैं, मेरे भाई की शादी हो चुकी है वरना मैं आप दोनों को करूं। कोई बात नहीं, 10-15 साल उनकी शादी को कितने साल हो गए माशाल्लाह से, अब तो बहुत ज्यादा 30 ईयर, तो 40 ईयर में शादी की एनिवर्सरी मनाते ना, तुम्हारा तरीके से मनाएंगे ना। आइए जी मुकाबले की दोबारा इब्तिदा करते हैं, पहला राउंड आपने देख लिया, पहले राउंड में कौन पसंद आया आपको SMS करें, अब दूसरे राउंड में देखते हैं शायद काया पलट जाए। आइए सुनते हैं सादिया की टीम क्या सुना रही है, चलिए जी चलते हैं मुकाबले की तरफ। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया,
लुट गए हम तो पहले बुरा खुटी मोहब्बत ने अंगड़ाई कद ते हसबो अब ये गाना उनका हो कमीज दे दी काली निसोड़े फुला वाली कमीज दे दी काली निसोड़े फुला नसीबा नाल मिलदा हुजूर रब कोल दिल जाने मंगना जरूर हाल न जाने मेरा दुनिया ने मानी ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सुरूर तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोनी लगदी ओ मैनू सोनी 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 लगदी सोनी लगदी ओ जबरदस्त भाई इससे ये मालूम होता है कि पाकिस्तानी गाने इतने सारे हैं कि आप ढोलकी में पाकिस्तानी गाने गा सकते हैं इतने सारे इससे भी आप वाकिफ होंगे हमारे आज के प्रोग्राम से जोश वाले जोश वाले हैं आइए आपको इस सेगमेंट के जोशीलों से मिलाते हैं एनर्जी आपको मैं माइक देती हूँ वो वाला अच्छा हमारा वाला माइक चाहिए आवाज आवाज भी आपकी सही है और तो कोई माइक चेंज नहीं करना वैसे आप लोग साथ दे बात है चलो सिर्फ वेट कर रहे गाने का मौका तो दीजिए अच्छा हमारी भाई बच्चियां धीमी धीमी है और धीमी धीमी गाने भी अच्छे लगते हैं सो जरा सा जो लोग जिनको धीमा धीमा गाना पसंद है क्योंकि हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए वो इस टीम को वोट कर सकती है आइए शुरू करते हैं किरण की टीम
भाई वेट दम था, अब ये टीम में दम था, बड़ी सुरीली थे, ब्लैक कॉफी का मजा आया था, गाने बड़े अच्छे चूज किए हुए थे, सो ये बड़ा एक रिफ्रेशिंग सा था। माइक कहाँ से आया था ना? माइक कहाँ से आया? चलिए आपके पास भी माइक, आपको चाहिए वो माइक तो हम वही माइक दे देते हैं, आप फिक्र नहीं करें। अगर भूलो ना तो कुछ और गाना शुरू कर देना। वेरी गुड, आज लीडर बोला, लीडर बोला। ओके जी चलो भाई चलते हैं मिस दाम आगाज की टीम की तरफ। मेरा पिया घर आया भोला लेनी, 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 बड़ा टफ था, इन्होंने बड़े जानदार तरीके से माइक का कमाल है, माइक का कमाल, कौन से माइक आएगा हमें? आइंदा मैं भी माइक पकड़ के होस्टिंग करूंगी, मैंने ये सोच लिया, बड़ा जबरदस्त रहा ये राउंड। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप हेल्पफुल रही हो, गाना भूल गई हो टीम? हाँ, आप हेल्पफुल रही। मैं अपने पूरे खानदान में सिर्फ गाना याद कराने के लिए हूँ, गाने के लिए नहीं हूँ। क्योंकि इतनी बेसुरी आवाज है मेरी कि मैं बिल्कुल नहीं गा सकती, लेकिन गाने का एक एक बोल उसकी लय तक मुझे याद रहती है, तो अगर कोई भूल भी जाए तो मैं ये उसी काम के लिए हूँ। तुमने कभी कोई ऐसी चीज सुलझाई है, मतलब मेहंदी में गाना भूल गए हूटिंग शुरू कर दी, सब कुछ कवर करना आना, कवर करना आना चाहिए। अच्छा पता है बड़ी एक फायदा ही होता है, जब हम डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस वक्त हमने सलवार कमीज जीन्स वगैरह पहनी होती है तो पैर नजर आते, नजर आ रहे, घाघरों में पैर छुप जाते, ये चीज मैंने पकड़ ली ना, जो बेसिक स्टेप आपका पांव से दिख है एक्चुअली वो वही सारा हम तो छुपा छुपा है आपको जिससे खेलना है। सो मैंने यही कहा अपनी पूरी जितनी भी सब हम लोग तैयारी कर रहे थे डांस की भाई की शादी के लिए, मैंने कहा पैरों में कोई भी उल्टा पुल्टा हो ना परेशान नहीं हो, हाथ और मुंह सही सही होने चाहिए, सिर्फ हाथों का लेफ्ट राइट कुछ भी हो, मैं भूल गई थी
एक दफा हाफ पर मैंने देखा, ओहो ये तो मैंने किया ही नहीं, वो मुझे सिखाया कैसे गया था डांस. सफाई करनी है. ये तुम देखो, ये करके तुम पंखा करके सफाई, ये वो याद रहेगा, सफाई करो उससे दिमाग, ये ऐसे जाएगा कि तुमने सफाई करनी है, ये सब धक्का दे रही हो तुम, ये सफाई अच्छे से कर रही हो, अच्छा ठीक है. और उसके बाद इस तरह मसलना है, मसाले डालने के लिए इस तरह. सही है ना, वो दिमाग में याद रहता है स्टेप. अच्छा ये मसाले, अच्छा मैंने कहा हाँ सफाई वाला. फिर उसके बाद तुमने ये चिमटा घुमा के इस तरह, मुझे इस तरह दिमाग मुझे डांस याद नहीं, किचन लेके गए थे. तो ये होता है. तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वोटिंग जारी रहनी चाहिए. एसएमएस करके आप वोट कर सकते हैं, क्या सादिया की टीम, मिजना की टीम या किरण की टीम. इस सेगमेंट में आप किसको वोट करेंगे. चले जी, वोटिंग ऑन एंड ब्रेक ऑन. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज सुबह सुबह ना हमने आपके घर में एक, आपने जब टीवी लगाया होगा तो एक रौनक बरपा कर दी है, शोर मचा दिया है. और वो आपके हस्बैंड्स कह रहे होंगे पहले तो तुम लोग कम आवाज में देखते थे नज़ाका शो, अभी क्या हो रहा है. तो वो जो रात वाली मेहंदी है वो, उसका मजा हम आपको सुबह सुबह दे रहे हैं, सुबह एंजॉय करें. और अच्छा, शादियां तो दिन की दिन हो गई है, हाँ. मेहंदियां दिन की नहीं हुई है. नहीं नहीं, हमने भी दो अटेंड कर ली है. अच्छा, हाँ, हमने दो अटेंड किए और मुझे इतना मजा आया कि वो 4 बजे का, मतलब दिन से मुराद थी कि 4 बजे की टाइमिंग थी. अच्छा, और 8 बजे खाना ऑन था. 10 बजे मैं अपने घर पे थी, मैं इतने सुकून में थी, मैं कहा यार ये अच्छा. इन्होंने बड़ी मजा था, इन्होंने बड़ी समझदारी की. सबूर और अली ने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये जो शेंदी है ये 3 बजे ऑनवर्ड्स है. अच्छा जी, 3 बजे ऑनवर्ड्स है तो हम अपनी तरफ से 5 बजे 2 घंटे का गैप रखते हैं. एक्टर्स तो और ही लेट लगी थी ना आम लोगों से ज्यादा. सो वहाँ 5:30 बजे लोग एक्चुअली आना शुरू है. हम भी 5 बजे गए. सो उस वक्त ठोका पीटी हो रही, मैंने कहा ये क्या 3 बजे का टाइम. और सबूर वगैरह भी खुद 5:30 बजे पहुंचे. हम ना जाने लगे, हमने कहा चलो हम बाद में आ जाएंगे. फिर देखा कि सारे लोग आ रहे हैं 5:30, 6:30. जैसे जैसे अंधेरा एक्चुअली होना शुरू हुआ, लोग 6:30 बजे मेहंदी में आना शुरू. ऑनवर्ड्स में चक्कर यही होता है, समझ नहीं आता क्या हुआ. फायदा क्या हुआ कि जो मेहंदी रात 12 बजे शुरू हो गई, 6:30 बजे शुरू हो गई. यार आपने ज्यादा एंजॉय किया, सबके अंदर एनर्जी थी, एनर्जी. वरना आप 11:30 11 आपकी मेहंदियाँ शुरू होती थी और सुबह फजर तक खत्म. और अभी हमने जो अपने भांजे की भी रखी है तो उसमें 6:30 बजे का टाइम, और सबको पता है की नकवी खानदान की टाइम का मतलब वही टाइम है. मैंने कहा भाई 6:00 माई हो और उसके बाद कवाली है, तो ये नहीं की कवाली नाइट रात में नहीं, नाच शुरू करने के बाद ही खुद आगे बढ़ते. 8 बजे के बाद रात हो जाती है, ठंड बहुत हो गई है, पता है जैसे जैसे रात बढ़ती है ठंड और बढ़ जाती है. ये है कि 12-1 बजे तक आप चीजें समेट के, घर वाले भी सुकून से अगले दिन, फिर इतने हेक्टिक घर में मेहमान आए हुए, तो मुझे तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा लग रहा है. टाइम सीरियसली अभी वैसे भी जो हॉल्स है जल्दी खत्म हो जाते हैं, बस ये होता है रुखसती अंधेरे में ही होती है ये सारे. चलो रोते हुए कोई देखता नहीं है, वैसे मेकअप खराब हो जाता है, वो वाली चीज है. लेकिन बाकी शादी वाली में मुझे तो मजा आया, मुझे ये टाइमिंग का, मुझे शादी का बहुत. जर्मनी वाली है ना, हाँ वहाँ तो सुबह से शुरू होती है. वहाँ की शादी का तो मकसद है कि सुबह चर्च से जो आपका बल्ब फ्यूज है वो तो बस गए. मैं बातें करती रही हूँ, मिर्जा का बल्ब फ्यूज है, रात को रात में होती है ना, तो पूरे दिन इंतजार रहती है आने वालों का, है ना, तो वो इंतजार. तुमने क्या टाइम रखा था भाई की मम्मी? रखा तो हमने अपने तौर पे 4 बजे का था. अच्छा, लेकिन हम सब पहुँचे 9 बजे पे. आप लोग तो घर वाले जब 9 बजे से आपको जमा करते हैं, 4 बजे का टाइम रखा है, 9 बजे पहुंचे, वरना 9 बजे का टाइम होता तो वो पहुंचते 12 बजे. मेरी दोस्त ने तो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिया था, 10:00 के. मैंने से पूछा राइट टाइम टू कम, करी 10 बजे तक. मैं 10 बजे पहुंची हूँ, पूरे सब मजे वाला जो माहौल था ना वो बना हुआ होता था, वो बहुत मजा आया. हाँ. और वो 2-3 घंटे हमने फुल एंजॉय किया, म्यूजिक को भी, डांसेस. मैंने इसको मैंने 8 बजे लिखा था कार्ड पे. हाँ. फिर इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा 10:30 तक आना. हाँ. मेरे मियाँ भी खुद 11 बजे आए हैं. हाँ, वो बात, मैंने कहा बड़े मेहमान. डांस मिस किया उन्होंने आपका? नहीं, मेरा डांस जरूर उन्होंने देखा. मैंने पूछा, कह रहा हाँ सही था, बस भूल गई थी तुम. वो तो एक तो डायरेक्टिंग घर की मुर्गी. हाँ वही ना. सो अब मैं घर जाके जब मैंने मेकअप एक वो तारा नाइट सूट पहना तो कह रहा है कितना अच्छा लग रहा है. मैंने कहा जब मेहंदी में आज तैयार हुई एक लफ्ज़ तो मैंने बोला कि कितने अच्छे लग रहे हैं. सेम है, सेम है. और अब तुम कह रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं. माहौल भी खत्म होना चाहिए, माहौल वही रहेगा. आइए जी,
आपका माइक कहाँ है? ये रही रहा, वही सोरी मैजिक रखा हुआ, छुपा के रखा हुआ है, उसे दम करवा रहे थे। चले जी आइए चलते हैं सादिया की टीम की तरफ। अब क्या लेकर आए पिटारी में ये लोग? अच्छा मैं गाने कुछ और लगा था लेकिन मूड कुछ और बन गया, वो माहौल इस तरह का बन गया ना। छाप तिलक सब छीन ले वो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ले वो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सेरा सजाई के, नैना मिलाई के नैना में आई के, मतवारी सब मिलाई मिलाई
मुंडा सन के तेरे ते कासमी दुपट्टे वाले मुंडा सन के तेरे ते सारी खेड लगी रानी सारी खेड लगी रानी गड्डी आई स्टेशन ते अख बिच गई वीरानी ओ गड्डी आई स्टेशन ते अख बिज गई वीरा लाल सूट ना पाया करो लाल सूट ना पाया करो बंदा कोई मर वैसी करो बाहर ना ऐसा लग रहा है ये ढोलकी खास मेरे नाजरीन के लिए कि वो मेरे भाई की ढोलकी में तो शामिल नहीं हो सके सो उनको मैंने यहाँ शामिल किया वो मजा दे दिया और ये जो टप्पों का अपना एक मजा है ना पंजाब की खासियत है इसमें तो ये इतने सारे हैं कि इसके बाद आप एक के बाद एक के बाद एक करते चले जाए इतना मजा आता है मिजाज एक मूड बन जाता है ना कि भाई आप सब बैठे हुए और इंजॉय कर रहे होते हैं हर कोई जो बेसुरा है वो भी बेचारा मुझे ऐसा भी शामिल हो गया था कि गड्डी आ गई स्टेशन पे परा हट वे माया सानू नहीं कहता उस परा हट वे माया नहीं सन नहीं इसके एक और भी है ना सानू माया वेखन दे अच्छा इसका एक बड़ा मजे का है बागे विच आया करो मखिया नू डर लगता ते पावे शहद कम खाया कर इस टाइप का चीज है इस इतने मजे मजे की हम पंजाब में भी रहे तो वो बचपन की कुछ यादों में से ये वाली यादें हैं बड़ा मजे की बहुत मजे की होती टप्पे भाई हाँ ये जी हमारी सुरीली हमारी प्यारी प्यारी नाजुक सी लड़कियां क्या लेकर ये लोग अच्छा खासा जगा देते हैं माइक दे दे माइक दे भाई मैजिक माइक लो पढ़ के दे दो ये वाला माइक चलो जी चले भाई लैला लैला और मंदिर Thank you.
हो जाता है। असल में मेरी टीम की आवाज है, बगैर म्यूजिक के सुनेंगी ना तो बस सुन। अच्छा एक मिनट, हम सुनने के गाना बजा जाएगा बगैर म्यूजिक, ला बगैर कोई म्यूजिक नहीं बजा, कोई म्यूजिक बजाई ना तो देख लो पैसे कट जाएंगे। हां वही गाओ, चलो तीनों मिलके दी मौज विच हंसना खिरना दिल की रखना कमे कन्ने मैं न पै किससे की मंदानी बोलड़ा चन दी चाननी कंदे कन्ने मन दी मौज विच हंसना बिल्कुल दिल पे नहीं लेना, मेहंदी पे बहुत कुछ होता है। तुम लोगों के नाम के गाने नहीं बनाए मेहंदी में तो बातों के आंसू निकल जाए दुल्हन को दुल्हा को, तुम्हारे घर वालों ने मुझे मोटी कहा है ना। अभी तो हमने रात के 12 बजे वाले गाने पे तुम लोग के सबके नाम लेके नहीं गाया, अभी तो अभी हम सोच के बैठे हैं आखिरी सेगमेंट में। मिर्ज़ा वाला टीम जो है उसका गाना रह गया क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आके पहले तुम लोगों का गाना कम्प्लीट करेंगे देन आगे बढ़ेंगे। वोटिंग जारी रखिए, कौन सी टीम है आपकी नजर में आज के शो की विनर? थैंक यू। सादिया की टीम, किरण की टीम या मिर्ज़ा की टीम? एक ब्रेक के बाद, मैं कह रही हूँ एक देख के बाद क्या हो गया मुझे, शादी शादी सीजन, शादी सीजन। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देख कम पड़ गई भाई, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। एक माहौल जो क्रिएट हुआ है सुबह सुबह वो मेहंदी का, आप लोग मेरे हमारी भाई की मेहंदी में नहीं शामिल हो सके, मैंने कहा सुबह सुबह आपको वही माहौल दे दूं जो हम लोग अब रोज हमारे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आजकल रोज हम एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी इन लोगों की बारी रह गई थी जरा मिज़ना की टीम की, आइए इनका गाना सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं। और फिर आपकी फोन कॉल्स भी लेना जरूरी है क्योंकि वोटिंग एक्चुअली आपने करनी है कि किस टीम को हमें जिताना चाहिए। ओके ओवर टू यू। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मौजा वालों बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। हर वाला सर पे आ जाए लेकिन उसने अल्लाह बचाए, रोसे अल्लाह बचाए, माजा मालों से अल्लाह बचाए। पर न जाना इनके धोखे में हरगिज ना आना, सूमियत पर न जाना इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं वो, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों अल्लाह बचाए, लूटते हैं ये मुस्कुरा कर, अल्लाह मस्त नजरों माजा
बचाए लेकिन एक बात है, व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए अब, क्या इनका गाना सुनने का, इनकी आवाज ही माइक की बंद, मैंने दूसरा माइक चेंज करा है, वो भी कौन है वहाँ साजिशी, हम सब यहाँ बैठे, गिन ले पूरे बच्चे वही के वही, नहीं मुझे आके बिठाया लग रहा है ये वही है जिनको आप हरा के जीत कर यहाँ आए हैं, अभी जीते नहीं है भाई, यहाँ पे तो जीतने वाले बैठे हैं। चले जी अब अगला। अच्छा आप जो फाइनल गाना है ना वो तीनों टीम्स मिलकर सुनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम फोन कॉल, तो माइक का क्या करें, तीन तो माइक है पूरे सेट। अच्छा अब आपको माइक शेयर करना पड़ेगा, माइक उधर दो, किधर है तुम्हारे पास, हमें दो माइक तो चाहिए, दो माइक तो इधर, हम ये वाला नहीं देंगे, हम तो बगैर माइक के भी तुम्हारे पास देते हैं, बस ये तीन माइक है जो घूम रहे हैं। अच्छा दो माइक तो आपको नहीं मिल सकते, ये वाला नहीं मिल सकता सॉरी तुम्हारे पास, तो ये कैसे गाएगा, हम नहीं दे रहे। एक काम करो तुम उठो, माइक तुम खड़े हो, बस सही है ना, आप उधर जाओ बेटे, माइक तो दे दो, बारी भी हमारी, माइक भी हमें नहीं दे रहे, जादुई माइक। अच्छा ये लो, अच्छा ये भी मैं पहले चेक करूं, आ रहा है कितने माइक से, हमारे पास चार है, बंटवारा हो गया, चलो हो गए, तुम लोग मिलकर, कभी नहीं आ रहा, कहीं गया भाई माइक, ये शुरू कर रहा है और हम सब मिलकर गाएंगे, जी शाह जी शाह, हेलो चेक चेक, हेलो चेक हेलो हेलो चेक चेक। हेलो हेलो हेलो, चलो भाई शुरुआत करो, झूले लाल झिझड़ी
कॉलर मेरे पास यहाँ मौजूद है आयशा. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ आयशा जी, बताओ कौन सी टीम, सादिया की टीम, मिजना की टीम या किरण की टीम, किसको वोट करोगी? हाँ सादिया की टीम को वोट आ गया है भाई. ओके थैंक यू सो मच जी. नेक्स्ट कॉल है नूर. अस्सलाम वालेकुम. ड्रॉप, ड्रॉप हो चुकी है कॉल. नेक्स्ट कॉलर फोन करके बताइए किसको वोट करना चाहते हैं. हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम. उन्होंने टीवी की आवाज नहीं कम की. हाँ टीवी की आवाज कम करें, मेरी बात सुने. कौन बोल रही है? वो सिर्फ सुनना चाह रही है, टीवी पे अपनी आवाज सुनना चाह रही है. ये दो कॉलेज मिले हमारे बीच. हेलो भाई, एक पॉइंट हम दोनों का भाई. ऐसा ना मुझे एसएमएस के व्यूअर्स को जो है ना वो मानना पड़े. अगर कॉलेज मान ले. अच्छा खुली आंख से जो आप लोगों ने देखा उसको माने. भाई हम एक आध गाना और गा लेते क्योंकि कॉल्स जो ड्रॉप हो रही है वो ड्रैग हो रही है चीज. अच्छा तो हम पूरी रात हेलो छोड़ देते बस. अच्छा डिस्कनेक्ट हो रही है. अच्छा आप मुझे एसएमएस पे बताइए. हेलो, लेकिन इनका पल्ला भी भारी है. हाँ हाँ कोई नहीं, आदर है. अस्सलाम वालेकुम. छोटे से पैकेट में बड़ा सा धमाका. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, देख रही हैं आप शो जज साहिबा? हाँ जी जी देख रही हूँ. मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ. अच्छा कहाँ, किसको वोट करेंगी आप? सादिया इमाम को. ओके जी थैंक यू सो मच जी. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हेलो 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 हेलो, देखो ये एक ढोलक तुम. हेलो घर में जाके लड़े ना बच्चे. जी सलाम अलैकुम जी, देख रहे हैं आप शो? हेलो जी, आप शो देख रहे हैं? आप किसको वोट करेंगे? नाम मेरा देखिए भाई, वो मैंने आपको बताया तरीका वोटिंग का यही है कि आपको अपनी टीवी की आवाज कम करनी पड़ती है. सो इसीलिए मैं एसएमएस व्यूअर्स को जो एक्सेप्ट करूंगी अब, इसलिए कि इतना टाइम शॉर्ट है. हम इन दी एंड मैं सबसे गाना गवा लूं फिर विनर का नाम अनाउंस करूंगी. ऐसा ना हो ना कि फिर वो दिल हार के गाने करना. तीनों मिलके, तीनों ने मिलके गा लिया. सॉरी अब एक गाना आप लोग शुरू करें और फिर सब उसमें शामिल होंगे. क्या अभी गा लेते हैं साथ में? अच्छा चलो तुम लोग शुरू करो फिर, तुम लोगों के साथ मिल जाते हैं. चलो इनको मौका दे.
आज कौन सा गाओ, ऐसे ही गा लो जो भी आते हैं, जो भी आते हैं वो लोग अपना शुरू कर ले। चलो आप लोग भी इनकी तरह के गाने गा के दिखाओ ना। आए मौसम रंगीले सुहाने दिया ने। हेलो 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 देते पहले ही। हाँ जी, तो आप जो मैं आपको मुकाबले का रिजल्ट सुनाने वाली हूँ और अवार्ड विनर टीम, ऐसे में ढोल इतना प्यारा अवार्ड है, क्या बात है, आप सब समझ ही गए होंगे, ये अवार्ड जाता है सादिया की टीम। पूरी टीम एसएमएस किया क्योंकि फोन कॉल्स बहुत ड्रॉप हो रही थी, एसएमएस आप उधर ये तो बिल्कुल साफ सी बात है, भी है इन लोगों का स्टाइल थोड़ा सा अलग था, इनका स्टाइल अलग था। जो विनर है वो जीत गया यहाँ पे, लेकिन सब सिंगर्स बहुत खूबसूरत गाना गा रहे थे, एंजॉय किया। सो जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बच्चियों सबका, बहुत सबने अच्छा गाया। एंड ये सुबह सुबह हमने मेहंदी का माहौल क्रिएट कर दिया, कुछ गवा लेना आखिर में मजा आएगा। नहीं बस अब टाइम नहीं है, सॉरी टाइम नहीं है, आगे बहुत अच्छा है, बहुत कुछ आगे भी लेके जा रहे हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक धमाकेदार शो के बाद कपड़ों वपड़ों की बात हो जाए, मुझे पता है ये भी आपका इंटरेस्टी है। और हमारे साथ किरण अलग किस्म के अटायर में अब शामिल हो गई है। आज किरण हमसे बात करने वाली सिलाई प्रेट के बारे में, सिलाई प्रेट क्या है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, दोबारा से अस्सलाम, एकदम से मैं ट्रांसफॉर्म हो गई है ना, अपने आप को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये एक्चुअली सिलाई प्रेट की ये कुर्ती कलेक्शन का कमाल है जो इतना निखार रहा है इस कलर को और मेरी लिपस्टिक को। सिलाई प्रेट बेसिकली एक ऑनलाइन ब्रांड है निदा, अच्छा, और आप ये स्टोर्स में अवेलेबल नहीं, लेकिन आप घर बैठे बैठे इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं silaipret.com और घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, हर शहर में ये डिलीवर करते हैं। डिलीवरी चार्जेस ओनली 150 रुपीज़, अच्छा। लेकिन अगर आपका जो अमाउंट है टोटल वो एक्सीड करता है 3,000+, तो आपके डिलीवरी चार्जेस भी माइनस हो जाएंगे। Okay. अच्छा, सिलाई प्रेट 2 साल से इन हुआ है, बहुत फेमस इसकी कलेक्शन हुई है। इन्होंने पहले अपने ईस्टर्न फ्रॉक्स निकाले थे, इनकी मैक्सीज थी, अब ये क्योंकि
विंटर कलेक्शन है एंड इट्स अ कुर्ती कलेक्शन बाय द वे. अच्छा, कुर्तीज को यूजुअली लोग आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, आप पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं. तो मैंने थोड़ा सा इसको एक लुक चेंज करने के लिए ना, सिर्फ कुर्तीज हैं अभी जो इनकी लेटेस्ट कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन इनकी कुर्ती कलेक्शन है. सिलाई अपने घाघरे के साथ. हाँ, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा ना, और मैंने थोड़ा सा झुमके वुमके करके. बहुत अमेजिंग कलेक्शन है ये, और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि सिलाई प्रिंट पे लगी हुई है 50% अप टू 50% की सेल लगी हुई है. ओह माय गॉड. तो अगर आप अभी जाते हैं www.silaipret.com पर और अप टू 50% सेल आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर कर लीजिए. मैं आपको बताऊं, ये कुर्ती है जैसे इनकी नई कलेक्शन है तो इस पे अप टू 30% ऑफ दे रहे हैं. इसकी अगर एक्चुअल प्राइस पूछेंगे, ये जो कुर्ती कलेक्शन है मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2100 से लेके 2500 तक की इनकी रेंज है. ब्यूटिफुल इनके कलर्स और इनकी एम्ब्रॉयडरी, इनका फैब्रिक, कुछ ये खद्दर के ऊपर हैं, कुछ ये लिनन के ऊपर हैं. ये आपको ये विंटर कलेक्शन सिलाई प्रिंट की मिलेगी. इनकी एक्चुअल प्राइस 2100 से 2500, बट अप टू 30% सेल पर ये 1650 के हैं. 1650 में आपको मिल रही है ये प्रेट कुर्तीज. अमेजिंग कलर्स, आप किसी के साथ भी पहन सकते हैं. आप इसको दुपट्टे के साथ कुछ फॉर्मल करना चाहें तो आप कर सकते हैं. और मैं कुर्ती कलेक्शन असल में पहले दिखाना चाह रही हूँ, जो इनकी लेटेस्ट कलेक्शन है. और अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए silaipret.com, प्लस इनके इंस्टा पे भी सिलाई प्रेट के नाम से है, इनके फेसबुक पे भी सिलाई प्रेट के नाम से है. आप जाएंगे, आपको तमाम कलेक्शन अप टू 50% ऑफ की सेल है, इसे अवेल कर लीजिए. पाकिस्तान में कहीं भी है. और दूसरी बात, इनकी जो इनका जो खास मेन फोकस रहा है शुरू से, वो सिंगल पीस पे रहा है. यानी कि वन पीस प्रेट पर है कि आपने बस कोई भी शर्ट है, यू नो, फॉर कॉलेज गर्ल्स हो गई, या हाउस वाइफ्स हो गए, या इवन के वर्किंग लेडीज, आपको रोज़ाना कपड़े चाहिए होते हैं. अब रोज़ाना 3 पीस आप कहाँ से खरीदेंगे, यू नो, वो काफ़ी कॉस्ट हाई हो जाती है. तो ये सिंगल प्रेट का जो इनका ये कॉन्सेप्ट है, ये ज़बरदस्त है. मतलब रेडीमेड कुर्तीज़ हैं, रेडीमेड इनके लॉन्ग मैक्सीज वगैरह हैं. ये भी कुर्ती कलेक्शन है इनकी लेटेस्ट, ये भी आप लोग देख लीजिए. बाकी ये डिटेल मैं आपको ये सारी कलेक्शन जो है इनकी वेबसाइट silaipret.com. अच्छा, सिलाई की स्पेलिंग भी बता दूँ, SILAYI. तो ये सिलाई प्रेट लिखेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट, फेसबुक और उस पर. अच्छा, अब ये जैसे है, ये इस पर, ये इनका ईस्टर्न फ्रॉक कलेक्शन है. अच्छा, इस पर भी मिल रहा है आपको अप टू 40% डिस्काउंट. ये भी देखें, फ्लेयर सा. आपके पास पैंट्स और ट्राउजर्स, हमारे पास हर, और ये कलर्स ऐसे हैं कि ऑफ वाइट पहन लीजिए, ब्लैक के साथ पहन लीजिए, रेड के साथ पहन लीजिए. और मटेरियल देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत फ्लोई सा, ईस्टर्न सा. ये इनकी ईस्टर्न फ्रॉक्स हैं जो इनके बहुत फेमस हुए थे और लोगों ने बेहद पसंद किए थे. ये भी एक कुर्ती कलेक्शन है. एक इस पे देखिए एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है विद बटन्स. ये थोड़ा सा स्टाइलिश, आप इसको मॉडर्न नीचे आप पैंट्स पहन सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रास्ट में पहन सकते हैं, ब्लैक में पहन सकते हैं. ये वाला ना मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा था, इनका ये फ्लेयर वाला. इसको अच्छी सी ज्वेलरी के साथ करें. ये मैक्सीज पे भी इनके जो है वो अप टू 50% ऑफ है. तो मेन चीज़ आज silaipret.com पर जाना है और इनकी अप टू 50% सेल अवेल करनी है. वर्ल्ड वाइड कह रही हूँ, पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान. 150 rupees ओनली इनके डिलीवरी चार्जेस हैं. और अगर 3000 से, और अगर 3000 प्लस आपका टोटल है तो. और अच्छी बात यह है कि हम यूजुअली ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करने से डरते हैं कि पता नहीं चीज़ आएगी तो कैसी होगी. तो आपको पूरी तसल्ली दी जाएगी, आप पूरी तसल्ली कीजिए. आपको मटेरियल अच्छा लगता है, आपको सिलाई अच्छी लगती है, आपको फिटिंग अच्छी लगती है, फिर ही आप बाय कीजिए और पे कीजिए. तो ये सहूलत भी सिलाई प्रेट अपने कस्टमर्स को दे रहा है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ये अप टू 50% ऑफ है. silaipret.com पर जाएं, इंस्टा पर इनको ज्वाइन कीजिए. नई नई कलेक्शंस इनकी आगे भी आती रहेंगी, आपको अपडेट्स इनकी मिलती रहेंगी. एंड ओनली फॉर, आपने बताया ना, 1650 की ये कुर्ती है. अगर ये कुर्ती कलेक्शन डिस्काउंट के बाद 1650 की, ये एम्ब्रॉयडरी के स्लीव्स के साथ अप टू 50% डिस्काउंट है. अप टू 50% ऑन ऑल कलेक्शन, सारे कलेक्शन इनके. ईस्टर्न फ्रॉक्स हैं, मैक्सीज हैं, एंड ये लेटेस्ट
विंटर कुर्ती कलेक्शन है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक फॉर्मल लुक समझे। कुर्ती आप इसको स्टाइलाइज भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब यही जो कुर्ती तुमने पहनी, तुमने से सफेद घाघरे के साथ लहंगे के साथ पहन लिया, मैं इसको जीन्स ब्लैक ट्राउजर जीन्स, मैं इसको थोड़ा सा और कैजुअल लुक देने के लिए मतलब शॉल के साथ है ना? आप कर लें, मेरे पास रस्ट शॉल है वो उसके साथ बड़ी अच्छी लगेगी। डिपेंड कर रहा है कि आप अगर कॉलेज जा रहे हैं या आप किसी इवनिंग पार्टी में जा रहे हैं या घर पे किसी ने दावत दी है, कुछ भी, तो आप उस तरह से इसको एक कुर्ती को आप डिफरेंट क्या मटेरियल जो तुमने पहना हुआ है, देखो ये लिनन है, दिस इज लिनन, इनके खद्दड़ में भी है, जो है सर्दी गर्मी दोनों में चल जाता है, बहुत वेरिएबल, वेरी कंफर्टेबल। देखें क्रीस भी ज्यादा वो नहीं है, मैं हालांकि बैठी हुई थी, तो मटेरियल बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल है बहुत ज्यादा। हमारा मेन जो चीज होती है ना, हम ये देखते हैं कि यार ये महंगी तो नहीं है, अगर 2-2.5 हज़ार की कुर्ती ले लेंगे तो ऐसा ना हो, तो अब क्योंकि सेल है तो आपने सेल को अवेल करना है, तो भूलिएगा नहीं, silaiprat.com पर जाइए, अप टू 50% ऑफ की सेल है, अवेल कीजिए अमेजिंग कलेक्शन कुर्तीज की लेटेस्ट, प्लस इनके पुरानी कलेक्शन में से इनके ईस्टर्न फ्रॉक्स हैं एंड मैक्सीज हैं, यू विल लव इट, आई एम श्योर यू विल लव इट। अच्छा इसके ऊपर धागे का काम हुआ है, क्या काम है ये, मशीन का काम है। हाँ, इनके सब की कुर्तीज पे ना आपको काम नजर आएगा, इसकी स्लीव्स पे भी काम है। मैं पहले सोच रही थी मैं ये वाला पहन लूँ ना रेड लिपस्टिक के साथ, मैं कहा चलो थोड़ा सा मस्टर्ड कलर लेती हूँ, शो पे मैंने आज ये वैसे पिंक कलर पहना था, पिंक है, इसके पर भी कढ़ाई हुई हुई है। अब आप इसको शॉल के साथ भी ले सकते हैं, ये सेल्फ कढ़ाई है, जो लोग थोड़ा सा सिंपल रहते हैं वो इतना ज्यादा कढ़ाई कॉन्ट्रास्ट है कि आप आराम से टाइप कढ़ाई है, आप ऑफिस गोइंग है आप उस वहाँ पहन सकते हैं, कुछ भी ये देखें, और इसमें साइजेस अवेलेबल है और स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, तो ये आप भी कढ़ाई कर सकते, सब पे कढ़ाई, सारी कुर्ती कलेक्शन पे कढ़ाई, और ये कढ़ाई के साथ ही 1650 में आपको कुछ भी नहीं है, सिला सिलाया एक कुर्ता अच्छे मटेरियल का, अच्छे ब्रांड, अच्छा खासा, मतलब दर्जी ले लेता है पैसे तो आजकल, और पे टाइम पे भी नहीं देता, हाँ ये तो बड़ा अच्छा एक बैठो प्लीज, तो बस ये लगी हुई है ऑनलाइन ऑर्डर करने का एक तरीका जो है वो तुम प्लीज बिल्कुल, आप लोग जाइए www.silaiprat.com पे जाइए, SILAYI इसकी स्पेलिंग है, शायद बैंड भी चल रहा होगा, इंस्टा पर इनको ज्वाइन कीजिए, इनका फेसबुक पेज है और इनकी वेबसाइट है, ये सारी कलेक्शन वहाँ पे मौजूद है, अभी इसी वक्त ऑर्डर कीजिए, सेल अवेल कीजिए, तो बहुत सारे कुर्तीज़ आ जाएंगी, आप सारी कुर्ती की कलेक्शन लेकर पूरे विंटर्स एंड समर्स भी इनको खींच सकते हैं, ये इस तरह का मटेरियल है, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो जी उम्मीद है आपने आज की सुबह को किया होगा इंजॉय, जी हाँ बहुत सारे SMS आए मुबारकबाद के, आप सबका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात मैं अपने भाई भाभी से कराऊंगी 13 जनवरी को सुबह के वक्त, तो तैयार रहिएगा मेरे प्यारों से मिलने के लिए, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। चहचहा